नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 10 मई 2022 और यहां पे 11 मई 2022 के लिए बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए, और अभी तक आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स नया बैच अनाउंस हो चुका है, 15 मई 2022 से नया बैच है। अब 12 मई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, जिसका लिंक एनरोलमेंट लिंक मेरे मोबाइल ऐप पर दिया हुआ है, आप वहां से एनरोलमेंट ले सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू भी। तो 12 मई लास्ट डेट है, इसको ध्यान में रखें। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहला स्टॉक 11 मई के लिए, उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक, चूंकि आपको पता है काफ़ी पिटाई हो चुका है बैंकिंग स्टॉक का, और कहीं ना कहीं आज बैंकिंग स्टॉक ने कुछ डिफेंड करने का कोशिश किया था। तो आप देखिए एक रेंज में रह गया एक्सिस बैंक, कल के जो रेंज है उसी रेंज में रह गया आज भी। तो ऊपर से भी देखते हैं तो ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि ये हमें एक ट्रायंगल पैटर्न में दिख रहा है, क्लियर है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम लोग एक्सिस बैंक को खरीदेंगे, अगर ये 668 रुपये का निकलेगा तब बाय अबव 668 पहला टारगेट, 672 672 का दूसरा, 676 676 और तीसरा 680 680 रुपये का, स्टॉप लॉस 664 रुपये का लेके चलेंगे 664 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 656 को तो सेल करेंगे, सेल ब्रो 656 पहला टारगेट हो जाएगा, 652 652 दूसरा, 648 648 और तीसरा 644 644 का, स्टॉप लॉस 660 यानी 660 का लेके चलेंगे। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही अगर स्टॉप बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये है एक्सिस बैंक पहला स्टॉक। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक, जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल सेक्टर की भी भरपूर पिटाई हुई है चाइना की वजह से, पूरी की पूरी पिटाई मेटल सेक्टर में हुआ है, और जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल कंटिन्यू फॉल है ना, तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से आते हुए चला जा रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो खरीदेंगे, अगर यहां से पुलबैक मिलता है 650 के ऊपर तब बाय अबव 650 पहला टारगेट, 654 654 दूसरा, 658 658 और तीसरा 662 662 रुपये का, स्टॉप 646 646 का लेके चलेंगे। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 642 को तो सेल करेंगे, सेल ब्लो 642 पहला टारगेट, 638 638 दूसरा, 634 634 और तीसरा 630 630 रुपये का, स्टॉप लॉस रहेगा 646 646 रुपये का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। और याद रखिए प्रॉफिट बुक करके या प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील। पढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है अरविंदो फार्मा। ये भी ट्रायंगल पैटर्न में है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ये आपको नजर आ रहा है। अरविंदो फार्मा जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर ट्रेड बनेगा, तो खरीदेंगे 610 के ऊपर बाय अबव 610 पहला टारगेट, 614 रुपये 614 दूसरा, 618 618 और तीसरा 622 622 रुपये का, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 606 रुपीज़ यानी 606 रुपये का। अगर ये नीचे के लेवल को 598 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल ब्लो 598 पहला टारगेट, 594 594 दूसरा, 590 590 और तीसरा 586 586 का, स्टॉप लॉस 602 602 रुपये का लेके चलेंगे। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यूज जरूर करें। तो ये तीन स्टॉक है, पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, तो जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त होता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।